हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सर। वेलकम टू द ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9, 10, 11 और 12 को मैथ्स और साइंस के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग घर पे हैं, सुरक्षित हैं और काफ़ी मन ला करके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो अभी ये क्लास 12 का लेक्चर हो रहा है और आपको मेरे को यही कहना है कि अब आप अपने पढ़ने का जो ड्यूरेशन है घर पे, आप जितनी देर भी पढ़ाई करते हैं, है ना, आप उस ड्यूरेशन को अब थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड करो। देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छा करना है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करना शुरू कर दो। अब आप ये मत सोचो कि आपके पास टाइम है, आप मान के चलो कि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब आई थिंक यू हैव टू लूज़ योर 2 मंथ्स अप्रॉक्स। एक तो लॉकडाउन में आप ये सोचते रहे बुक्स नहीं है, है ना, क्लासेस मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं, है ना, ये मुझे नहीं पता आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन मुझे इतना पता है कि लॉकडाउन में जितना आपको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उतना आप नहीं उठा पाए। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है। नेक्स्ट जो है 15 डेज़ अभी भी आपके हाथ में है। यू हैव टू यूटिलाइज ऑल द 15 डेज़। जितना हो सकता है उतना इस 15 डेज़ का आप यूज़ करो। ठीक है, बाकी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी आज के क्लास में मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अभी आप फिजिक्स देख रहे हैं, ठीक है, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, और इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो पिछला वाला वीडियोस था, उस प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे किसी पॉइंट चार्जेस के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, अगर जो लोग इस वीडियोस को डायरेक्ट देख रहे हैं, इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले वाला प्लेलिस्ट में जा करके आप क्लास 12 लिखा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, वहाँ पे आप जा करके क्या करोगे, जो पिछला वाला वीडियोस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड करके टॉपिक होगा, आप उसको देख लेंगे, फिर वापस से आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो आप समझना ज़रा ध्यान से। हमने क्या करा कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज लिया था प्लस का लेट से हम क्यू चार्ज लेते हैं। ठीक है, और किसी पी पॉइंट पे, है ना, जहाँ पे हमें एक चार्ज रखना था क्यू जो प्लस का 1 कूलम था। ठीक है, इस 1 कूलम चार्ज के चार्ज पे, इस सोर्स चार्ज की वजह से हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इस प्लस के वजह से ये आर डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो रिपल्सिव इन नेचर था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था ये हमारा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आता था। ठीक है, आप मान के चलो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया है, ठीक है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये दिक्कत है तो आप पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ से आपको 2 चीज़ें समझा रहा हूँ, जरा आप समझना ध्यान से। यहाँ पे ये जो पॉइंट चार्जेस रखा गया है, ये सोर्स चार्जेस रखा गया है, हम मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो लेट से वैक्यूम है। इसको हमने कहाँ पे प्लेस कर दिया, वैक्यूम में रखा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में निकल करके आया है वो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम इसको यहाँ पे वैक्यूम के वजह से हम इसको ई नॉट लिख रहे हैं। आप ज़रा ध्यान देना, ई नॉट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे के की जगह पे आपको पता है हम 1/4 पाई एप्साइलन नॉट लिख सकते हैं, और इनटू में यहाँ पे क्यू अपॉन में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आता है, ठीक है, जब मीडियम हमारा वैक्यूम हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इनटू में क्यू बाई आर स्क्वायर करके आता है। अगर हम क्या करते हैं कि इसी सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज को हम लोग कहीं पर किसी मीडियम में रखते हैं, ठीक है, अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं जिस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमने प्लस का ही एक क्यू चार्ज रखा है, और किसी पी पॉइंट पे, है ना, किसी पी पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि क्यू चार्ज रखते हैं जो प्लस का 1 कूलम्ब है, ठीक है, और यहाँ से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो यहाँ पर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा
वो क्योंकि ये दोनों जो चार्जेस रखे गए हैं किसी न किसी मीडियम में रखे गए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो ये के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होगा। लेकिन चूँकि ये जो चार्जेज है ये मीडियम में रखे गए हैं तो यहाँ पर हम ई इज इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन लिखेंगे और इनटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आता है किसी मीडियम में और यहाँ पे वैक्यूम में। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हम ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं ये हम टू चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं, टू पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे एक जो है पॉइंट चार्जेज है, यहाँ पे एक सोर्स चार्जेज है, ठीक है। इस सोर्स चार्जेज की वजह से इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोले थे। और यहाँ पे हम ये समझाएं कि अगर ये चीज़ वैक्यूम में होगा तो बस इस के को 1/4 पाई एप्साइलन नॉट और अगर मीडियम में होगा तो इस के को 1/4 पाई एप्साइलन से रिप्लेस कर देना है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, जरा आप ध्यान देना। हमने पढ़ा था कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ये आता क्या है, तो ये एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट करके आता है। यहाँ से अगर हम लोग एप्साइलन की वैल्यू निकालने जाए तो k टाइम्स ऑफ ये एप्साइलन नॉट होगा। आप ज़रा ध्यान देना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है और मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच में एक रिलेशंस बता रहे हैं। इस रिलेशंस को आप ज़रा ध्यान से देखना। अगर हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम दोनों को अगर हम डिवाइड करने जाएँ तो आप समझना ज़रा ध्यान से। अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट मानते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि इसकी वैल्यू को 1/4 पाई एप्साइलन इनटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर रख सकते हैं और इसके नीचे 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इनटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ से 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, q/r² से q/r² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये एप्साइलन नॉट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से एप्साइलन नॉट बाई ये एप्साइलन आएगा, एप्साइलन नॉट बाई एप्साइलन। आप समझना ज़रा ध्यान से। हमें क्या करना है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे ये 1/ε है और नीचे में कितना है एप्साइलन नॉट है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये सब कुछ कैंसिल आउट होकर के एप्साइलन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एप्साइलन नॉट और ये एप्साइलन आएगा। अब आप समझो ज़रा ध्यान से, इस एप्साइलन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्साइलन नॉट। मतलब आप देखो, अगर हम लोग क्या करें कि इस एप्साइलन के जगह पे अगर हम लोग जाएँ लिखने के लिए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मीडियम में और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम में है, वो यहाँ से एप्साइलन नॉट अपॉन में एप्साइलन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ एप्साइलन नॉट, ठीक है, एप्साइलन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। एप्साइलन इज इक्वल टू के इंटू एप्साइलन नॉट, यहाँ से एप्साइलन नॉट से एप्साइलन नॉट कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मीडियम में और डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/k। मतलब यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जाएँ तो आप देखो ज़रा ध्यान से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने जाएँ, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका k टाइम्स और इज इक्वल टू यहाँ से एप्साइलन नॉट। अगर हम यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम की बात करें तो ये एप्साइलन नॉट अपॉन में के आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यहाँ पे जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो मैंने कूलम्स लॉ में आपको पढ़ाया था जो हम लोग एफ़ निकालते थे वो एफ़ नॉट बाई के करके आता था। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट करना है वो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम होता है ना, और अगर किसी भी मीडियम में जिसका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है ना, तो इस मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम्स क्या होगा, मतलब के डिवाइड बाई के कमने का मतलब के फैक्टर से ये मतलब डिक्रीज कर जाएगा, है ना। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज डिक्रीजेज बाई के फैक्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। अगर
वैक्यूम में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो वैक्यूम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा कितना होता है 1/4πε0 Q/r2। ठीक है, और अगर हम मीडियम में निकालने जाते हैं तो इसको यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो ये दिख रहा है कि मतलब ये एप्साइलन नॉट बाई हम के लिख सकते हैं। एक चीज़ समझो ज़रा ध्यान से, ये ई बाई ई नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्साइलन नॉट नहीं लिख करके हमको ई नॉट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ई नॉट। और ई नॉट का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? वैक्यूम का है। मतलब यहाँ पे हमें ई लिखना है। क्या लिखना है? ई। समझना ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई के। मतलब जो ओरिजिनल, मतलब जो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको अगर हम के से डिवाइड करेंगे, है ना, तब जा करके वो एक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर आएगा। मतलब ये के फैक्टर से ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो मैंने इसको लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज डिक्रीजेस बाय के फैक्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चल करके इसको बताते हैं। अभी मैंने जो भी बताया है आपको, ये बताया है कि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे वो ये कैलकुलेट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना हो किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। फिर हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखे थे कि जब डिस्क्रीट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो कैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशंस लगाया था। पहले आप यहाँ तक कॉपी करके आओ, फिर हम बताते हैं। बस आपको ये एक पॉइंट बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम के बीच में एक रिलेशन होता है, CBSE बोर्ड में पूछा जाता है 2 नंबर में, कि वो कितने से ये फैक्टर डिपेंड कर डिक्रीज करता है, तो ये के फैक्टर से डिक्रीज करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बस ये जो छोटी छोटी बात है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक बार हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, इसी के को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एप्साइलन आर से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट। ठीक है, अगर याद हो तो कूलम्स लॉ में एफ भी जो आया था वो एफ नॉट बाय के आया था, है ना। अगर हम लोग बात कर लें कि जो कूलम्स लॉ होता है वैक्यूम में और किसी मीडियम में तो उसमें कितने का फ़र्क आता है, तो के टाइम से वो डिक्रीज करता है ना। अभी देखो, अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक पॉइंट चार्जेस के बीच में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्जेस के बीच में हमने देखा था कि अगर कोई एक सोर्सेस चार्जेज हो, अगर प्लस का क्यू है और किसी पी पॉइंट पे हम लोग अगर क्यू चार्ज रखते हैं जो प्लस का 1 कूलम होगा, तो इसकी जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो रिपल्सिव इन नेचर आई है ना, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमने निकाला। ठीक है, और ये मतलब पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी, ठीक है, किसी पी पॉइंट पे, है ना, किसी पॉइंट चार्जेस के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाए तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, जहाँ पे ये हमारा जो क्यू होता था ये क्या होता था, ये टेस्ट चार्ज होता था। ठीक है, और टेस्ट चार्ज के लिए कंडीशंस था कि ये 1 कूलम होना चाहिए प्लस का, और ये अपने पास जो होता था ये सोर्स चार्ज होता था। क्या होता था? सोर्स चार्ज। ये हमने पिछली क्लासेस में इसमें डिटेल बात करा है। दूसरा हमें क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर कहीं पे कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और इस टेस्ट चार्ज के सराउंडिंग में कुछ चार्ज पड़े हुए हैं, कुछ सोर्स चार्जेस, जैसे मान ले यहाँ पे प्लस का क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे लेट से माइनस का क्यू रखा है, फिर यहाँ पे लेट से प्लस का क्यू रखा है, यहाँ पे माइनस का क्यू रखा है, ऐसे अप टू बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, इसको Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया, Q3 लिखा, Q4 लिखा और अप टू Qn तक लिख दिया। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशंस बात किया था कि इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे चूंकि ये एक पॉजिटिव चार्जेज है और यहाँ ये वाला चार्जेज हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना, और ये रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जिसको लेट से हम लोग E1 लिख लेते हैं। यहाँ से ये हमारा अट्रैक्टिव होगा तो इसको हम लोग E2 लिख लेते हैं और ये अट्रैक्टिव ही नेचर होगा। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रिपल्सिव ही नेचर होगा। ठीक है, और इसको हम लोग E3 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसके लिए जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो अट्रैक्टिव ही नेचर होगा, तो हमारा यहाँ पे E4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये प्लस का है तो ये यहाँ पे रिपल्सिव देगा, मतलब EN दे रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इस छोटे से पॉइंट पी पे, है ना, वो ई नेट निकालने का हमने तरीका आपको सिखाया था कि इसको हम वेक्टोरियली क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे E1 प्लस में E2 प्लस में E3 अप टू कहाँ तक, अप टू प्लस EN तक हम लोग क्या कर लेंगे, इसको
ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसी को बोला था कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप समझना। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे दो चार्जेस के बीच में, एक पॉइंट चार्जेज यहाँ पे कंसीडर किया था, एक सोर्स चार्जेज लिया था। यहाँ पे मोर देन टू सोर्स चार्जेज आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस पॉइंट पी पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालते थे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी है ना बाय अ सिंगल सोर्स चार्जेस, एक सोर्स चार्जेज है और यहाँ से हमने क्या करा था कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। लेकिन यहाँ पे आपके पास मोर देन टू सोर्सेज चार्ज दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए मैंने बोला था कि इसे हम डिस्क्रीट सोर्स चार्जेस कहेंगे, ये डिस्क्रीट चार्जेस कहलाते हैं, ठीक है। ये अपने पास डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस है ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं ये सीख गए। उसके बाद किसी टू पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये सीख गए हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ भी पॉइंट चार्जेस का ही चल रहा है, लेकिन ये इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, जो हम लोग पिछली क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इसको बता करके आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि अब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो हम लोग किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बॉडी पे बात करने जा रहे हैं। मतलब अब चार्ज ना ही पॉइंट चार्जेस होगा ना वो डिस्क्रीट होगा, अब ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस होगा। जैसे मान लेते हैं कि इस मार्कर में अगर लेट से कि इसमें चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्यू चार्जेस है और वो क्यू चार्जेस इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर पहले बात कर लेते हैं, आप समझना जरा ध्यान से। पहले आप इसको एक बार नोट करो, एक बार वापस से, ठीक है, क्लियर है। ये पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, ठीक है। एक बार मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज देखने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे बात करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे बात करना है। देखो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये लेट से कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे ये मार्कर पे अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये देखो इसका अगर देखा जाए तो इसका जो लेंथ है इसके कंपेरिजन में इसका जो ब्रेथ है वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो यहाँ पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो अलॉन्ग द लेंथ होगा इस मार्कर के, ठीक है। मतलब समझो ध्यान से, सबसे पहला जो मैंने चार्ज इंट्रोड्यूस करा वो मैं लेट से इसको लाइन चार्जेस बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर इस पूरे पे लेट से क्यू चार्जेस हैं, है ना, और इस क्यू चार्जेस को कुछ इस तरीके से इस लाइन के अलॉन्ग ये डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका लेंथ लेट से कैप्स एल है, ठीक है, समझना ध्यान से। तो यहाँ पे ये लाइन चार्जेस कहलाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या करें कि आप ज़रा देखना, यहाँ से हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये लैम्डा लिखा हुआ है और ये लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल होता है। मतलब इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे हम लोग मास में पढ़ते हैं ना, जैसे मास डेंसिटी की बात करते थे, मास अपॉन में पर यूनिट लेंथ, है ना, तो वो हमारा डेंसिटी दे जाता है। लेकिन यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो इस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई पर यूनिट लेंथ अगर देख लें तो यही हमें क्या दे जाएगा, ये हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे जाएगा, ठीक है। ये अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। दिस वन इज द लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, इसको हम लोग लैम्डा पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। ये अपने पास लैम्डा है। अगर सेकेंड देखा जाए तो सेकेंड में आप समझो, अगर हम ये वैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वन डी डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, मतलब किसी एक ही डायमेंशन में सिर्फ लेंथ में, लेंथ के अलॉन्ग है, तो यहाँ से हम चार्ज डेंसिटी निकाल लिए, है ना, चार्ज अपॉन में पर यूनिट लेंथ। दूसरा देखा जाए अगर, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कोई लेट से एक रेक्टेंगुलर बॉडी ले लेते हैं जो कि 2D बॉडीज होता है, ठीक है, आपको पता है। अगर इसके अंदर भी टोटल जो चार्ज है वो लेट से क्यू चार्ज है, तो ये टोटल का टोटल जो चार्ज होगा वो इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। टोटल जो चार्ज होगा वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसका जो एरिया है लेट से वो कैप्स ए है। तो यहाँ पे जो हम चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस वन इज द, इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले इसको एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो आप, एरियल
चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या इसको एक और नाम बोलते हैं सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आई होप कि ये बातें क्लियर है। यहाँ से अगर हम लोग सिग्मा को लिखने जाएं तो सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2D है, मतलब टू डायमेंशनली है, मतलब एरिया वाइज जो है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या इसको सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये हमारा जो आया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के हम लोग के लिए। अगर हम तीसरे कंडीशंस में देख ले तो थर्ड कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, एक 3D बॉडी लेते हैं, लेट से कोई सिलेंडर ही ले लिया, ठीक है, और इसमें देखा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, अगर लेट से क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया तो ये जो क्यू चार्जेज है ये उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहाँ पर होगा, वॉल्यूम में, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको हम लोग रो लिखते हैं, ठीक है, और ये रो जो होगा ये क्यू अपॉन में, क्योंकि इसका वॉल्यूम अगर वी है लेट से तो क्यू अपॉन में वी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जानते हैं, है ना, ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये तीन तरह के चार्ज डेंसिटी को मैंने पहले आपको समझाया, एक जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सेकंड वन इज सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों बात जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये चार्ज डेंसिटी है, मतलब किस तरह से इस लेंथ के अक्रॉस है ना ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इट मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये बॉडी जो है ये रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर बॉडी भी हो सकता है, किसी भी तरह का बॉडी हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, यूनिफॉर्म भी हो नॉन यूनिफॉर्म हो, हम उसी अप्रोच पे काम करने जा रहे हैं, लेकिन हमें चार्ज डेंसिटी पता होना चाहिए, ठीक है। चार्ज डेंसिटी आप एक बार इसका कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो आई होप कि ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ठीक है, रोटेशंस में आपने देखा होगा कि मास हम लोग डेंसिटी निकालते थे, ठीक है ना, डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में कि मास का डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होता था। अभी हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एक रेगुलर या इरेगुलर बॉडीज़ को अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक आप रेगुलर बॉडी ले लो, ठीक है, और इस बॉडी पे अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसके अंदर क्यू चार्जेज है लेट से, इस पूरे बॉडीज़ के अंदर, ये बॉडी रेगुलर और इरेगुलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पूरे बॉडी में, और हमें किसी पी पॉइंट पे है ना, किसी पी पॉइंट पे अगर हमें लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम सबसे पहले KQ/R² नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो Q चार्जेज है ये पॉइंट चार्जेज नहीं है, KQ/R² इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज, और ये पॉइंट चार्ज नहीं, ये Q चार्जेज इसके पूरे के पूरे है ना एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से समझना ध्यान से, इस पूरे में चार्जेज Q चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक छोटा सा एक स्ट्रिप ले लेंगे, एक छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे है ना, और इस एलिमेंट को, इस अप्रोच को हम लोग एलिमेंटल अप्रोच कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो अप्रोच कहलाता है ये एलिमेंटल अप्रोच कहलाता है, ठीक है, ये एलिमेंटल अप्रोच आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा कि एक छोटा सा इस बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है ना, और इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप समझना, इस पूरे के पूरे क्यू चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए तो इस छोटे से एक एलिमेंट में कुछ छोटा सा चार्ज आएगा, तो इस छोटे से चार्ज को लेट से हम डी क्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डी क्यू। ये छोटे से चार्ज को हम लोग, मतलब बहुत छोटे से चार्ज को हम डी क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, डी क्यू से। तो हमने एक छोटा सा चार्ज को डी क्यू ले लिया, और यहाँ पे कोई पॉइंट लेट से पी पॉइंट दे रखा है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेज है लेट से, अगर ये पूरे के पूरे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है
तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो रिपल्सिव इन नेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका डिस्टेंस लेट से आर है तो इस सोर्स चार्ज के वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है, अब आप समझना ज़रा ध्यान। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से, डी क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा। तो इसको छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के लिए हम डी ई लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डी ई। और डी ई अगर देखा जाए तो ये चार्ज हमारा डी क्यू है ना, तो आएगा क्या? वैसे भी यहाँ पे जो चार्ज रखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे इंडिपेंडेंट होता है ना। अगर हम लोग देखें तो पीछे हम लोग थे के क्यू बाई आर स्क्वायर आता था, तो ये वाला चार्ज नहीं आता था। तो हमें ये अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं के और डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये इस छोटे से डी क्यू चार्ज के वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है निकल करके वो डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। अब आप समझो जरा ध्यान से, हमें क्या करना है कि ऐसा डी क्यू चार्जेज इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब हमें इस पूरे बॉडी का, मतलब इस बॉडी की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हम लोग इंटरेस्टेड है। तो हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे डी क्यू चार्ज के वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सब इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ के हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें ऐड करने का तरीका क्या है कि हम इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को है ना पकड़ के हम लोग ऐड करते हैं। और एडिशंस का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करने जाएं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी ई वो क्या आएगा? ये के कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आता है। तो यहाँ से हम लोग इसको डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि इस बॉडीज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस रेगुलर या इरेगुलर बॉडीज़ का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इंटीग्रल डी ई इज इक्वल टू के इंटीग्रल डी क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिफरेंट शेप्स वाले बॉडीज़ का हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये आपका सबसे बेस है और यहीं से हम लोग किसी भी बॉडीज़ का इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। मैंने आपको चार्ज डेंसिटी बताया और उसके बाद मैंने आपको ये इंटीग्रल अप्रोच बताया कि कैसे एलिमेंटल अप्रोच के थ्रू हम लोग इसको छोटे छोटे चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप लोग पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे एक बार बताता हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा क्लास होगा ठीक है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बाद आपके जितने भी डिराइवेशंस हैं सभी को हम लोग पहले इस एलिमेंटल अप्रोच से हम लोग क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। फिर एलिमेंटल अप्रोच से डिराइव करने के बाद हम आपको गॉस लॉ पढ़ाएंगे। गॉस लॉ तभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप ये पहले देखना पड़ेगा कि एक एलिमेंटल अप्रोच से कितने बड़े बड़े हमें डिराइवेशन करना होता है। तो इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए है ना हम लोग गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, तो इस गॉस लॉ पे हम आएंगे। इससे पहले आज के क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।